बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। एमपी की शिवराज सरकार बनाएगी गो कैबिनेट, 5 विभाग होंगे शामिल, सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम शिवराज ने तिरुपति बालाजी के दर्शन के परिवार संग किए, सीएम शिवराज ने दर्शन, दोनों बेटे भी साथ में रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बनेगा कानून, आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक होगा पेश, कांग्रेस ने प्रदेश के गृह मंत्री के बयान का किया विरोध। कांग्रेस पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बोला हमला का, कांग्रेस की स्थिति वैसी जैसे बईघट सांप छुछुंदर खेरी। बैतूल में बेकाबू ट्रक रेलिंग तोड़कर पुल से नीचे गिरा, 5 मजदूरों सहित 6 लोगों की मौत। डिंडौरी में फिल्मी अंदाज में धारदार हथियार से हमला, 2 युवक घायल, अस्पताल में भर्ती, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान बालाजी के दर्शन किए, इस दौरान शिवराज सिंह चौहान की पत्नी एवं उनके दोनों बेटे साथ में मौजूद रहे। शिवराज ने मंदिर के वरिष्ठ पुजारियों के साथ मुलाकात की एवं उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर शिवराज ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कोरोना के जल्द खत्म होने की और प्रदेश की खुशहाली की भगवान से प्रार्थना करी है। और उनके चरणों में यही प्रार्थना की, भगवान वेंकटेश के दर्शन किए, सौभाग्य मिला, मन ऊर्जा से भर गया। और उनके चरणों में यही प्रार्थना की, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमें बनाना है, जनता के सबके सहयोग से भगवान के चरणों में यही प्रार्थना की कि इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतनी बुद्धि और विवेक दें जिससे हम अपनी जनता के साथ मिलकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकें, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके, आगे बढ़ सके और कोरोना जैसी महामारी अब खत्म हो, समाप्त हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। मध्य प्रदेश में गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया गया। पशुपालन, वन पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह एवं किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी की शिवराज सरकार बनाएगी गौ कैबिनेट। गौ कैबिनेट में 5 विभाग होंगे शामिल। गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए होगी गठन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी जानकारी। मध्य प्रदेश में गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया है। पशुपालन, वन पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह एवं किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गौ कैबिनेट की पहली बैठक गौपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण सालरिया आगर मालवा में होगी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा, प्रदेश में गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट गठित करने का निर्णय लिया गया है। पशुपालन, वन पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी के दिन दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण आगर मालवा में आयोजित की जाएगी। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद पर कानून बनाने का फैसला किया।
राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। यह गैर जमानती अपराध होगा और दोषियों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। अब की भाषा में लव जिहाद कहते हैं। हमारा धर्म स्वातंत्र, मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक, अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजिबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए की गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। इससे पहले यूपी सरकार भी कानून बनाने की बात कर चुकी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा और कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शालू हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया गया है, शालू, एक अहम फैसला लिया जा रहा है, क्या कुछ है पूरी जानकारी इसको लेकर के? सृष्टि, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। ट्रस्टी, ये जो गौधन संरक्षण का जो नियम लागू किया गया है, ये वास्तविकता में काबिले तारीफ है, क्योंकि जिस तरीके से गौ को भारत देश में गौ माँ के तरीके से माना जाता है, छोटे छोटे संगठन बना के जो गौपुत्र कहे जाते हैं, लोग जो अपने आप को गौपुत्र बना के जो गौ का संरक्षण करते हैं, उनके लिए वास्तविकता में ये खबर बहुत ही खुशी देने वाली है, क्योंकि 2014 से लेकर अभी तक की जिस तरीके से गौ वंश की जो हालत रही है वो दयनीय है, वास्तविकता में वो दयनीय है। अगर किसानों की हम बात करें तो जिस तरीके से पहले बैलों के साथ में खेती की जाती थी, लेकिन अब आधुनिक युग में इस वक्त खेती ट्रैक्टर के माध्यम से की जाती है, जिसके कारण से गौवंश की जो हरी घास है, जो सब कुछ है, भौतिक स्थिति में उनको वो पूरा नहीं किया जाता, जिसके कारण वो बांझ और दूध ना देने की परेशानियों से गुजरती है और उनके उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। गौवंश की बात करें तो जंगलों में आज इस वक्त गौ माता मारी जा रही है, लेकिन ये जो गौ संरक्षण का जो नियम बनाया गया है बीजेपी सरकार के माध्यम से, ये वास्तविकता में काबिले तारीफ और ये बहुत ही खुशी की बात है। जी जस्टी, बिल्कुल शालू सही कहा आपने, 22 नवंबर को इसको लेकर के बैठक की जाएगी, उसमें अहम फैसले लिए जाएंगे। एक तरफ से देखा जाए तो गोपाष्टमी के दिन ये बैठक की जा रही है, एक अहम फैसला माना जा सकता है। जी बिल्कुल, जो गौ अष्टमी के दिन 12 बजे यहाँ पर आगरा में ये मालवा में जो मीटिंग रखी जाएगी, लेकिन अभी तक इसका कोई डिसाइड नहीं है कि इस मीटिंग में कौन कौन रहेगा, लेकिन क्या कुछ नया होने वाला है गौवंश के लिए, गौ रक्षक जो अपने आप को कहते हैं उनके लिए, भारत देश में गौ माता की दशा को लेकर क्या कुछ नया होने वाला है, इसके बारे में जो मीटिंग रखी जाएगी उसके बाद ही सभी जानकारी हम जुटा पाएंगे।
बिल्कुल शालू, कहीं ना कहीं एक राहत की भी बात है जिस तरीके से गाय की रक्षा करने के लिए गौ कैबिनेट का गठन किया जा रहा है। 22 तारीख को इसकी एक अहम बैठक ली जाएगी, कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। जिस तरीके से 6 विभागों को इसमें शामिल किया गया है, तो जिस तरीके से फसल को बर्बाद कर दिया जाता था, कई सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती थी जो अन्ना पशु घूमते रहते थे, अब एक अहम फैसला यहाँ लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं राहत की बात है और कई तरीके से कई सारे लोगों को इसमें राहत मिलेगी। शालू, बिल्कुल सस्ती, आपका कहना बिल्कुल सही है। इसमें पशुपालन, वन विभाग, पंचायत, ग्राम पंचायत और राजस्व जैसे विभागों को शामिल किया गया है और गौ वंश को इस तरीके की जो बनाया गया है, जो कैबिनेट बनाया गया है, जो गठन किया गया है गौ संरक्षण को लेकर, इसमें गौ खुद आर्थिक रूप से संभल की जाएगी और जिस तरीके से गौ बिल्कुल शालू बिल्कुल सही कहा आपने, तो कहीं ना कहीं एक अहम फैसला यहाँ पर लिया गया है। 22 तारीख को इसको लेकर के बैठक की जाएगी, कई अहम फैसले बैठक में लिए जा सकते हैं गाय की रक्षा के लिए। गोपाष्टमी के दिन इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। शालू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। जिस तरीके से आपने बताया कि 22 नवंबर को बैठक होगी और उसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे, अब देखने वाली बात यही होगी कि जो पहली बैठक गोपाष्टमी के दिन होने वाली है, उसमें कौन कौन सी ऐसे फैसले हैं जो गाय की रक्षा के लिए लिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया गया। पशुपालन, वन पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह एवं किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर हमला बोला है, क्या कुछ कहा है आपको दिखा देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने बड़े पैमाने पर गौशालाएं खोलने का काम शुरू किया था और वहीं गो हत्याओं को रोका था हमने, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक हमारी सरकार हटा दी गई और उसके बाद में ये आज मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है कि हम गो कैबिनेट बनाएंगे, सिर्फ ये दिखावा है और मुख्यमंत्री घोषणा करने में नंबर वन है, काम के नाम पर जीरो है। अगस्ता वेस्टलैंड में जबरदस्ती कांग्रेस के नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है और बकुलनाथ को भी फंसाने की कोशिश की जा रही है। जब उसकी जाँच होगी तो सारी चीज़ें अपने आप सामने आ जाएगी कि उसमें किसने कितना लेन देन किया। इसमें अधिकारी लपेटे के अंदर आएंगे, अधिकारियों ने इसमें खेल किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चलने वाली भाजपा सरकार का ये बहुत अभिनंदनीय निर्णय है, स्वागत योग्य निर्णय है। मध्य प्रदेश तेजी के साथ में उनके शासनकाल में पहले भी गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहा था और अब इस मामले में एक कैबिनेट का गठन करना ताकि निर्णय आसानी से हो, समग्र दृष्टिकोण से विचार विमर्श हो पाए, मुझे लगता है स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय योग्य। देश में पहली बार किसी राज्य में इस प्रकार की पहल हो रही है। जो गौ अभ्यारण्य, कई पशु पक्षियों के लिए अभ्यारण्य बनाए जाते रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश ने आगर जिले में एक गौ अभ्यारण्य बनाया है जो सैकड़ों एकड़ जमीन पर है। उस जगह ये पहली कैबिनेट की बैठक भी होगी। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में और तेजी के साथ में गौ संरक्षण हो, संवर्धन हो, मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य बने। अभी 5वें स्थान मध्य प्रदेश का है और मुझे लगता है कि इन सब प्रयासों से गौ वंश का भी लाभ होगा और जो गरीब किसान है उसकी आजीविका में भी सुधार होगा। भोपाल में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एमपी में गौ कैबिनेट गठन को लेकर बयान दिया। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोला है, क्या कुछ कहा उन्होंने आपको दिखाते हैं। बाकी की पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी, 15 महीने तक बातें करती रही, 15 गौशाला नहीं बनाई, लेकिन उसके बाद जो प्रगति की वो शिवराज सरकार ने की और आज गौ कैबिनेट का गठन भी करके एक नई परंपरा का देश में नया उदाहरण प्रस्तुत मध्य प्रदेश ने किया है। वो ये बताओ, परिणाम आने के बाद से मध्य प्रदेश में है क्या? मैंने उस समय भी कहा था अभी मासिक, फिर तिमाही, छमाही हो जाएंगे, वो ट्वीट पे ही मिलेंगे आपको। अब जहां तक आपने चिदंबरम जी का सवाल किया, चिदंबरम जी वही बोल रहे हैं जो मैंने कहा था, जमीन स्तर पर अब कांग्रेस खत्म हो गई है। उन्होंने भी ज्यादा चिंता मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात की जाहिर की है,
ज्यादा चिंता वाली बात भी है यहाँ, या सिर्फ नेता नेता ही बचे हैं, नीचे कांग्रेस लगभग समाप्त है। और इसलिए मैंने कहा था कि आने वाले कल में किसी गठबंधन से ही अब भाजपा का मुकाबला होगा, कांग्रेस से नहीं होगा, कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष स्थायी नहीं बना पाए। गांधी परिवार के बारे में मैंने कहा बहुत स्थिति वैसी हो गई है, कांग्रेस अगर गांधी परिवार को छोड़ेगी तो नुकसान है और गांधी परिवार को नहीं छोड़ेगी तो नुकसान है, दोनों स्थिति में नुकसान होना तय है, बचाव का कोई मार्ग नहीं है, सॉफ्ट मॉफ्ट कुछ नहीं है, ये सब चुनाव के वक्त ही करते हैं, इनके जो नेता हैं राष्ट्रीय वो चुनाव पे मंदिर जाते हैं। अच्छा एक जना बता दो आप तो, जिसने दिवाली को राहुल गांधी को लक्ष्मी पूजन करते देखा या गांधी परिवार को देखा, एक जना ऐसा बता दो गांधी परिवार को गोधन की पूजा करते देखा, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली भाई दौज देखा आपने, बहन भाई को भाई दौज मनाते हुए आज तक नहीं देखा हो। कमलनाथ जी पूरी इतना बड़ा हिंदुओं का त्योहार निकल गया, आपको कहीं मंदिर में दिखे क्या गोधन की पूजा? आज तक कमलनाथ जी को मालूम ही नहीं होती वो होगा कि गोधन क्या होता है। और इसलिए इस तरह की जो बातें हैं इससे अब कोई डाइवर्ट, जनता इनको अच्छी तरह से समझ गई है। अब हम मैं कह देता हूं तो मेरे को अहंकारी कह देते हैं वो, पर मैंने तब भी कहा था कि पत्ते की तरह उड़ेगी, 60,000 से हारे, इनको आंधी नहीं दिख रही थी भाजपा की, मोदी जी की, शिवराज जी की, इनके पाओ के नीचे जमी नहीं, ताज्जुब है फिर भी इनको यकीन नहीं, संगे है। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखें कि धर्म स्वातंत्र विधेयक है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा ने काय का काम करता है, लेकिन ये कानून तोड़ने का काम करेगा, वो ये तो बताएं पहले कि इस विधेयक के खिलाफ है या पक्ष में। ये इस तरह की बातें करके इधर उधर की तू न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनी से गिला नहीं तेरी रहवरी पे सवाल है, तो ये बताओ पहले तो कि ये लूट इसीलिए हो रही है, ये तुष्टीकरण की जो नीति कांग्रेस अपनाती है उसी का कारण है कि हाथिए पे जा रही है। अभी भी समझ में नहीं आ रही, मुझे तो अचंबा होता है, अभी भी अपकार जैसे क्या है वो गुपकार के साथ चुनाव लड़ रहे, देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही कश्मीर के अंदर, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, 370 लाने की बात कर रहे हैं, उनसे मिलके कांग्रेस चुनाव लड़ रही। जहां भी आप तो देखो देश तोड़ने की बात जहां आई होगी, समाज को बांटने की बात जहां आई होगी, वह कांग्रेस या राहुल गांधी मिलेंगे। अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। और भारतीय जनता पार्टी साफ कहती है हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा, बहुत साफ साफ है हम दोनों की बातें। हम किसी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, हम किसी आतंकवादी अफजल का समर्थन नहीं करते, हम देश के साथ हैं, भारत के साथ हैं, जो देश तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ हम हमेशा से रहे हैं। सबसे पहले मिलने राहुल गांधी गए थे जिनने ये नारे लगाए थे अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा। तो जहां भी इस तरह की विघटनकारी ताकतें आती हैं राहुल गांधी या कांग्रेस आपको वहां खड़ी दिखाई देती है, चाहे गुपकार हो या अफजल हो। गौ संवर्धन की अगर किसी ने बात की है तो वो है कमलनाथ जी ने की है। प्रदेश भर में 1000 गौशालाएं बनाई, 15 साल की सरकार रही तब इन्हें याद क्यों नहीं आई, लेकिन हमारा ये कहना है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो स्कीम बनी है गौ संवर्धन को लेकर उसे आगे बढ़ा। हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने गोवर्धन पूजा गाय की रक्षा करने के लिए किया करते थे, ये उसमें पूरी तरीके से फेल हुए। नई कैबिनेट बनी है उसमें उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ का जन्मदिन है। कानपुर में जन्मे कमलनाथ को गांधी परिवार का बेहद करीबी माना जाता है। वहीं आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ का जन्मदिन मनाया गया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पीसीसी शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ
केक काट करके जन्मदिन मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर पटाखे फोड़े। सज्जन सिंह वर्मा की और पीसी शर्मा ने कहा कि कोविड को देखते हुए सादगी से मनाया जा रहा है कमलनाथ जी का जन्मदिन। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जीजीएस एजुकेशन ग्रुप launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D-Pharma, B-Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971-496-497 or visit the campus, Kanpur Lucknow Highway, near Unnao. GGS Education Group. Fit रहना है तो fitness health oil ले आओ. You are corrupt. हाँ, correct होता है बाबू. सही बोले हैं. तो ले आइए fitness health oil. आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जहां प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जनता से घोषणा और वादा करते हैं, वहीं सरकार करोड़ों रुपए उपस्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग में लगा रही है, तो वहीं बिल्डिंग बनी भी है तो सिर्फ नाम की। जहां ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल रहा, जिसका खामियाजा ग्रामीण अंचलों में रहने वाले ग्रामीण को स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण अपनी जान गंवा कर भुगतना पड़ता है। वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र देख रेख के अभाव में क्षतिग्रस्त होने लगे। ऐसे कई गांव हैं जहां 3 साल पूर्व उप स्वास्थ्य केंद्र प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और, कागजों में कुछ और बयां हो रहा है। वहीं हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति नहीं होने के कारण ग्रामीण बगैर डिग्री वाले झोला छाप डॉक्टरों से उपचार कराने के लिए मजबूर हो चुके हैं। विदिशा जिले के पटारी थाने में जुआरियों का मेला जैसा माहौल देखने को मिला है। यहां पटारी थाना पुलिस ने एक मकान पर दबिश देकर 145 जुआरियों को जुआ खेलते पकड़ा गया। जहां पुलिस ने 1,05,000 रुपए, 32 मोबाइल, 8 मोटर बाइक और 1 SUV कार जब्त की। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। पटारी थाना प्रभारी के मुताबिक सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मौके पे दाव पिच लगा रहे थे और 52 ताश की पत्तियाँ भी बरामद हुई है। ये कृत कहा जाता है कि त्यौहार के खेला जाता है, परंतु मैं ये मानता हूँ कि त्यौहार में तो पुरानी जो रीत चल रही है वो सती प्रथा भी चली आ रही है, परंतु तो हमारे समाज की वो कुरीतियाँ और उसको निपटा दी गई है। तो जुआ भी कुछ इस तरीके की रीत नहीं है कि आप कभी भी किसी भी त्यौहार में खेल सकें। डिंडौरी झूला मुख्यालय में कुछ लोगों द्वारा दो युवकों पर धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया जाता है, जिसमें से एक युवक की हालत गंभीर है, वहीं दूसरे को केवल हाथ में चोट आई। दोनों युवकों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना लगते ही युवकों के
स्वजन और कोतवाली पुलिस बल बड़ी संख्या में जिला अस्पताल पहुंच गई। हमलावर कौन थे, किस उद्देश्य से युवकों पर तलवार से हमला किया, ये पता लगाया जा रहा है। कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। गोंडा डोगरी तहसील के चोपना थाना क्षेत्र के तवा पुल से मंगलवार सुबह सरिया से भरा एक ट्रक नीचे गिर जाता, जिससे ट्रक के नीचे दबने से 6 लोगों की मौत होती है। मृतकों में 5 मजदूर और ट्रक ड्राइवर शामिल है। सूचना मिलने पर चोपना पुलिस मौके पर पहुंची, क्रेन की सहायता से ट्रक के सरिये अलग करके शवों को बाहर निकाला। मामले पर चोपना थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी ने बताया कि ट्रक में बैठे मजदूर पिपरी गांव के हैं, जबकि ट्रक मुलताई का है। सभी 6 लोगों के शव बाहर निकाल लिए गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए घोड़ा डोंगरी अस्पताल भिजवाया गया है। करीबन 7 बजे 100 नंबर पे इवेंट आया था कि जो शाहपुर और चोपना थाने का बॉर्डर का ब्रिज है तवा नदी का, उस पर एक ट्रक जो है नीचे गिर गया है ब्रिज से। उस दौरान यहाँ के मौके पे देखा तो ट्रक जो है नीचे गिरा हुआ था, उसमें लोहे के सरिया थे और जो सब थे वो छत बिछित थे, उस समय पता नहीं चल रहा था। अभी हमने 2 क्रेन बुला के रेस्क्यू किया है। इस दौरान कुल जो है उसमें से 6 शव हमने बाहर निकाले हैं। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही, आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें यशी शुक्ला के साथ। नमस्कार। खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला।
आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का। नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ।